नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आरएल पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 4 में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो टॉपिक में जाने के पहले हम लोग कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसको उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और उसके अवकलज विद्यमान होते हैं वो अवकल समीकरण कहलाता है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें उपस्थित स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर परिभाषित है। यदि जो अवकल समीकरण है उस अवकल समीकरण में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो अवकल समीकरण, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और यदि उस अवकल समीकरण में एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर विद्यमान है तो वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये मैं लिख रहा हूँ d2y/dx² - n²y = 0। सेकेंड में इसी में आप देखिए, ये है d3y/dx³ = √1+dy/dx². ये दोनों एग्जाम्पल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स हैं। यदि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो उसका एग्जाम्पल होगा x∂z/∂x + y∂z/∂y = nxy। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई। हमारा जो डिस्कशन आज हम लोग जो कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। एक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि। तो अवकल समीकरण के ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अवकल समीकरण में जो सबसे अधिक कोटि का अवकलज विद्यमान है उसकी जो कोटि है वो अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर इस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है मैक्सिमम। यदि आप सेकेंड यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपका फर्स्ट जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जाम्पल 1 है उसका जो ऑर्डर है वो 2 है और जो एग्जाम्पल 2 है उसका ऑर्डर 3 है। अब इसमें एक और टर्म आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण की घात को डेफिनेशन ये है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम रेशनल एंड फ्रैक्शनल्स। इसका मतलब है कि जो अवकल समीकरण दिया है उसकी डिग्री का मतलब ये है कि उसमें जो उपस्थित अधिकतम कोटि का अवकलज है उसकी जो घात है वो उसकी घात कहलाती है। कंडीशन ये है कि उसमें कोई रेशनल पावर
या फ्रैक्शनल पावर से वो फ्री रहना चाहिए, सारे डेरिवेटिव फ्री रहना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल की अब बात करते हैं डिग्री के लिए, तो एग्जांपल वन की जो डिग्री है आप देखिए कि इसमें जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है वो टू है और उसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, वन। तो इसकी जो डिग्री होगी वो वन होगी। फिर उसके बाद यदि आप सेकेंड को देखेंगे तो यहां पर ये जो डेरिवेटिव है इसमें रूट लगा हुआ है, तो डिग्री निकालने के पहले हम इस रूट को हटाएंगे। तो रूट को हम हटाएंगे तो ये जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पे जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है वो ये है d3 / dx³, और इसकी जो घात है ये घात 2 है, तो इसकी जो डिग्री है ये डिग्री आपकी 2 हो गई। अब अभी तक हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्वतंत्र और परचंत चरों के बीच में एक संबंध जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है वो उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। बहुत सिंपल है, जैसे हम मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो यदि मैं लिखता हूं y = c1 e^(nx) + c2 e^(-nx), तो ये रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस सेटिस्फाइज द एग्जाम्पल नंबर वन, ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बहुत बड़ी क्लास है और उसका जो क्लासिफिकेशन है कई तरीके से किया जाता है, लेकिन ऑर्डर और डिग्री के हिसाब से भी किया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जो जिनका ऑर्डर वन है, डिग्री वन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनका ऑर्डर तो वन है लेकिन डिग्री एक से अधिक है, तो वो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इसी तरीके से और भी क्लासिफिकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप हम ऑर्डर और डिग्री के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को डिस्कस करना। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हम बात करें तो ये चीज क्लियर है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा dy/dx = f(x,y). चूंकि उसका ऑर्डर वन है इसलिए उसमें वन ऑर्डर से ज्यादा का डेरिवेटिव नहीं होगा, उसकी डिग्री भी वन है, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो भी वन होगा। तो जो भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वो dy/dx = f(x,y) के फॉर्म में होंगे। अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है dy/dx = 1+y² / 1+x², ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं जब भी किसी भी प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस पूरे सेक्शन में, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो मैथ्स में जो आप सीखेंगे वो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ये हमको सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखना होता है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। यहां पर प्रकार का मतलब ये है कि उसको सॉल्व करने के तरीके से प्रकार बनाए गए हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई व्यापक विधि नहीं है, जनरल मेथड नहीं है। जनरल मेथड क्या मतलब है, जैसे आप वर्ग समीकरण पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि आपको वर्ग समीकरण दिया हुआ है,
अब आप उसको उस फॉर्म कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, एक्स की दो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां पर इसको सॉल्व करने का कोई जनरल मेथड नहीं है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपको एक ही विधि है उसी विधि से उसी मेथड से सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उनको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसको हम देखते हैं कि इसके अंडर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप का है, वो है वेरिएबल सेपरेबल, चर पृथक्करणी अवकल समीकरण। फिर सेकेंड में है होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर तीसरा है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फिर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सिक्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और नेक्स्ट है और लास्ट है वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल ये जो टाइप है ये मैंने बताया कि सॉल्व करने के हिसाब से है। फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपने पहचान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, लेकिन अगले स्टेप में आपको ये पहचानना है कि वो किस कौन से टाइप का है, किस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अलग तरीके से सॉल्व होंगे, ये अलग होंगे। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बारी बारी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल वेरिएबल सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस बात को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो वेरिएबल सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो इस तरीके से होंगे dy by dx is equal to f1x upon f2y। जैसा इसका नाम है चर पृथक्करणी वेरिएबल सेपरेबल, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो x का फंक्शन और y का फंक्शन दोनों सेपरेट होके अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि ये जो y का फंक्शन है उसको सेपरेट कर दीजिए और x का जो फंक्शन है उसको dx की तरफ से सेपरेट कर दीजिए और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। f2y dy is equal to f1x dx plus c1। ये सिंपल तरीके से इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं इसको सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो dy by dx is equal to e to the power x minus y plus x square e to the power minus y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखने से शायद आपको ये ऐसा लगेगा कि ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ये e to the power x into e to the power minus y plus x square e to the power minus y, इसको कॉमन निकालिए e to the power minus y को, तो हो जाएगा e to the power x plus x square। अब आप यहां पर देखेंगे कि y का फंक्शन और x का फंक्शन सेपरेट हो गया है। अब जैसे मैंने बताया था कि आप इसको सेपरेट करिए तो हो जाएगा dy अपॉन e to the power minus y is equal to e to the power x plus x square dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो e to the power x plus x square dx और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा e to the power y is equal to
ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो यदि आपने ये पहचान लिया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन आपका ठीक होना चाहिए। यदि इंटीग्रेशन आप सही से कर पा रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं असाइनमेंट के रूप में, आप इनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स। फिर सेकेंड में sec स्क्वेयर एक्स tan y dy प्लस sec स्क्वेयर y tan x dy इज इक्वल टू जीरो। फिर लिखिए थर्ड में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और लास्ट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टू लॉग एक्स अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेंगे। जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें और ये देखें कि उसमें से x और y का फंक्शन सेपरेट यदि हो रहा है तो आप उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो सेकेंड टाइप है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।